उत्तर प्रदेश इंडिया का वह राज्य जहां कुछ सालों पहले तक मिर्जापुर वेब सीरीज में दिखाए गए क्राइम सीन्स का रियल लाइफ में रिपीट टेलीकास्ट होता था। जहां बिजनेसेस शुरू करना तो दूर, लोग अपने चलते हुए बिजनेसेस माफियाओं के डर से बंद कर दिया करते थे। लेकिन आज उसी उत्तर प्रदेश के अंदर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में टाटा, बिरला और अंबानी जैसे बिलियनियर्स ने करीब 33 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। और ये उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश को इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला है। और ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ बड़े ही बिजनेसेस बढ़ते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम 2015 से 2017 के बीच में देखें तो उत्तर प्रदेश में करीब 12 लाख से ज्यादा एमएसएमई रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि गुजरात से भी काफी ज्यादा है। और इन्हीं एमएसएमईज के दम पे उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पे बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2017 में यूपी का टोटल एक्सपोर्ट था करीब 83,999 करोड़, वो फाइनेंशियल ईयर 22 में बढ़ के करीब 1,40,000 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है। और यूपी के इस मैसिव एक्सपोर्ट के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट की बनाई हुई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। इस स्कीम की अगर हम पावर समझने की कोशिश करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में जो टोटल यूपी का एक्सपोर्ट हुआ है उसमें 62% जो एक्सपोर्ट था वो सिर्फ ओडीओपी योजना से ही हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को साल 2017 में लॉन्च किया गया था। उस समय यूपी में पर कैपिटा इनकम थी करीब 47,120 रुपए। वहीं अगर हम साल 2022 में देखें तो ये नंबर बढ़कर करीब 71,471 रुपए हो गया है। तो यहाँ पे आंकड़ा काफी तेजी से यूपी का बढ़ रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करें महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र की ग्रोथ सिर्फ 30% रही, बल्कि यूपी की ग्रोथ करीब 40% से ज्यादा रही है। और इस ओडीओपी स्कीम के तहत यूपी गवर्नमेंट की योजना है कि वो साल 2027 तक यूपी को करीब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। तो क्या यूपी गवर्नमेंट $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंच पाएगी? और ऐसा क्या है ओडीओपी स्कीम में कि यूपी गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े कमिटमेंट कर रही है? जानेंगे हम ये सब कुछ इस वीडियो में। आपके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ है अगर आप यूपी में अपना ग्रोथ करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं यूपी का पूरा ग्रोथ मॉडल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो अगर हमें यूपी की टोटल ग्रोथ को समझना है तो हमें सबसे पहले इसमें यूपी के एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ को समझना पड़ेगा। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखें तो यूपी का टोटल जो जीडीपी था वो 17.91 लाख करोड़ रुपए था। इसमें टोटल एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन था 1,21,140 करोड़ रुपए। अब अगर हम यूपी के इस टोटल एक्सपोर्ट को देखें तो इसमें करीब 80% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एमएसएमई सेक्टर से ही होता है। और यूपी की जीडीपी में एमएसएमई का जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ 7% ही है। आपको ये आंकड़ा बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन यूपी में टोटल जो 22 करोड़ की पॉपुलेशन है उसमें 8 करोड़ जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें से 33% जो पॉपुलेशन है वो एमएसएमई ही उद्योग से जुड़ी हुई है। और इसीलिए यूपी की योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा और उन्होंने सोचा कि एमएसएमई सेक्टर को अगर इकोनॉमी से जोड़ दिया गया तो यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट आते ही उन्होंने एमएसएमई से होने वाले 3 बड़ी प्रॉब्लम्स को मार्केट में रियलाइज किया। उन्होंने देखा यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट पे कोई ना कोई एक स्पेशल प्रोडक्ट बना करता है जिसकी बहुत ही बड़ी खासियत है। जैसे कि अगर हम देखें आगरे का पेठा, ये एक हेल्दी मिठाई है जो कि डाइजेशन को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करता है। इसके साथ ही ये मेंटल इलनेस में भी काफी ज्यादा कारगर है और वेट लॉस करवाने में भी ये काफी ज्यादा हेल्प किया करता है। लेकिन इतने सारे बेनिफिट्स के बाद भी आगरे का पेठा सिर्फ एक रीजनल प्रोडक्ट की तरह ही रह गया, क्योंकि यहाँ के लोगों को इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल नहीं पता है, यहाँ के लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ के लोगों के पास वो स्किल नहीं है कि इस प्रोडक्ट को हम विदेशों तक पहुंचा सके। और यही यूपी के हर एक राज्यों में हो रहा है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो योगी गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि ये जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो रहे हैं इनका कस्टमर के साथ कोई बड़ा कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। रीजन है ये पूरी तरीके से एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में बनते हैं और ये पैकेट्स में नॉर्मल पैक होकर अगल बगल ही खाली बिका करते हैं। अगर हम इसको पेठे के एग्जांपल से समझें तो दो दुकानदारों के पेठे के स्वाद में डिफरेंस आ जाता है, किसी में ज्यादा शक्कर होती है किसी में कम होती है। और अनऑर्गेनाइज होने की वजह से इनकी कोई ब्रांडिंग और मार्केटिंग नहीं हो पाती है, जिस वजह से एक कस्टमर तक इनका प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं पाता है। ब्रांडिंग और लेबलिंग ना होने की वजह से इसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज का कस्टमर को पता नहीं चल पाता है, जिस वजह से कस्टमर का एक ट्रस्ट नहीं डेवलप होता है। अगर हम कुछ सालों पहले तक देखें तो वही खुले वाले और पैकेट्स वाले नॉर्मल चीजें लोग खरीदते थे, लेकिन आज के डेट में कस्टमर बहुत ही मॉडर्न हो गया है। उसे हर एक प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यूज पता होने चाहिए, पैकेट्स अच्छे से पैक होने चाहिए, ये सब कुछ यूपी के प्रोडक्ट्स नहीं कर पा रहे थे। तीसरी प्रॉब्लम जहां पे योगी गवर्नमेंट को लगा कि यह इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो है कि प्रोडक्ट और मार्केट के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, मार्केट के बीच में एक बड़ा गैप है। इसको अगर हम शहजार स्टोन से समझें जो कि यूपी के बांदा और बुंदेलखंड रीजन में बनने वाली केन नदी में मिलती है, इन पत्थरों पर जो आपको कारीगरी दिखेगी वो किसी कारीगर ने नहीं करी हुई होती है, वो नेचुरली ही नदी के अंदर ऐसे शेप ले लेती है। और इस पत्थर की सबसे खास बात है कि इसमें दो पत्थर एक जैसे कभी नहीं हुआ करते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो इन सुंदर पत्थरों की कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, लेकिन अगर इंडिया के बाहर हम चले जाएं तो अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो वहां इन पत्थरों की काफी ज्यादा डिमांड होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यूपी का जो व्यापारी है वो अपने प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचा ही नहीं सकता है। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूपी की योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने साल 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च किया। इस स्कीम में क्या था कि यूपी के करीब 75 जिले हैं,
उन हर जिले में कोई न कोई एक खास प्रोडक्ट बना करता है, तो उस प्रोडक्ट की वहाँ पहचान बना दी गई। जैसे कि आगरा में पेठा बना करता है, गोरखपुर में काला नमक राइस होता है, कुशीनगर में बनाना बेस्ड प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसे ही बनारस में आप देखेंगे तो साड़ियां बना करती हैं। इसके साथ ही आपको मिर्जापुर में खास कालीन मिल जाया करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट यहाँ की खासियत है, जिसको यूपी की गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको हम फेमस करते हैं और बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। और अब इन रीजनल प्रोडक्ट को अलग अलग स्तर पर असिस्टेंस देना शुरू कर दिया गया, ताकि वो इंडिया का साथ ही वो इंटरनेशनल मार्केट तक वो प्रोडक्ट पहुंचाया जा सके और यूपी का हर राज्य एक एक्सपोर्ट हब के तौर पर उभर सके। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करना शुरू किया, जिसके लिए ओडीओपी की दो स्कीमें हैं। यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने सबसे पहले फाइनेंस असिस्टेंस देना शुरू किया। इस स्कीम के तहत यूपी के एंटरप्रेन्योर को बिजनेस शुरू करते समय सब्सिडी दी जाएगी और बैंक से इनको काफी आसानी से इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाएगा, जिसमें करीब 2.5 करोड़ तक की सब्सिडी यूपी के एमएसएमई सेक्टर को दी जाती है। दूसरी स्कीम में योगी गवर्नमेंट ने रियलाइज किया था कि यूपी के जो एमएसएमई है उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, और इसीलिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्कीम लॉन्च किया गया। इस स्कीम के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनवाए जाएंगे, जहां पे एमएसएमई ऑपरेटर को कोई भी एक्टिविटी करने में, जैसे कि लैब टेस्टिंग, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक या कोई भी चीज की अगर ट्रेनिंग चाहिए तो वो आसानी से दी जाने लगी। और तीसरी स्कीम शुरू की गई स्किल डेवलपमेंट योजना। इस स्कीम के अंडर ऑपरेटर को एडवांस टूलकिट और मशीनरी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसके साथ ही उनका यूज कैसे करना है ये सब कुछ भी उनको सिखाया गया। और यहीं पे चौथी स्कीम भी लॉन्च की गई, जहां पे यूपी के जो एमएसएमई सेक्टर है उनको ब्रांडिंग और मार्केटिंग के सीक्रेट सिखाए गए। यहाँ पे योगी गवर्नमेंट ने ओडीओपी प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में अपने एग्जीबिशंस लगाने में, प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन देने में और प्रमोशन और फाइनेंस असिस्टेंट करने में सब कुछ सिखाया गया। और यूपी गवर्नमेंट के इन्हीं स्कीम के कारण यूपी के कुछ प्रोडक्ट बहुत एक्सपोनेंशियली राइज कर गए। जैसे कि अगर हम देखें तो काला नमक राइस। काला नमक राइस एक प्रकार का हेल्दी फूड है, जो कि ईस्टर्न यूपी और नेपाल के कुछ एरिया में उगाया जाता है। इसमें एंथोसाइनिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हार्ट अटैक से लोगों को बचाता है। इसके अलावा काला नमक राइस ब्लड डिसऑर्डर, स्किन डिजीज में भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। बीमारियों से लड़ने के अलावा काला नमक राइस का डाइट में भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन, जिंक और आयरन होता है। लेकिन इतने सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज के बाद भी आप में से बहुत ही कम लोग काला नमक राइस के बारे में जानते होंगे, और इसी वजह से इंडिया में इसकी डिमांड भी काफी कम थी, जिस वजह से फार्मर्स ने इसको उगाना काफी ज्यादा कम कर दिया गया था। लेकिन नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में इसकी डिमांड काफी ज्यादा थी। फिर भी प्रॉब्लम वही थी कि यहां के फार्मर्स को उन कंट्रीज तक का एक्सेस ही नहीं था। और यहीं पे काम आता है ओडीओपी योजना। इसके तहत काला नमक राइस को सिद्धार्थनगर के एक ऑफिशियल प्रोडक्ट के तरह लिस्ट किया गया, और यहाँ पे फार्मर्स को असिस्टेंट और ट्रेनिंग दिया गया कि किस तरीके से वो अपने काला नमक राइस को काफी तेजी से उगा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट तक लेके पहुंचा सकते हैं। इस ओडीओपी योजना के तहत यहाँ के फार्मर्स को विदेश भेजा गया, ताकि वो एग्जीबिशंस लगा सके और अपने प्रोडक्ट को दिखा सके। लेकिन काला नमक राइस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसके नाम को लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। जैसे हम देखेंगे तो इंडिया में ही काला नमक राइस जाना जाता है, लेकिन अगर हम विदेशों में देखें तो ये नाम काफी पॉपुलर नहीं है, इसीलिए इसकी रीब्रांडिंग की गई। इसको नाम दिया गया बुद्धा राइस का, क्योंकि ऐसी कहावत है कि जब बुद्ध भगवान ने अपनी तपस्या खत्म की थी तो उन्होंने काला नमक राइस ही खाया था सबसे पहले। और इसी कहानी के कारण काला नमक राइस के पैकेट्स पर भगवान बुद्ध की पिक्चर्स लगाना शुरू हो गई, जिसके कारण कोरिया, चाइना, जापान और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इसकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ गई। और जहां साल 2018 में काला नमक राइस सिर्फ 40 रुपए किलो बिका करता था, वो साल 2022 आते आते करीब 135 रुपए किलो हो गया। और जहां 2018 में इसकी खेती करीब 2700 हेक्टेयर के अंदर हुआ करती थी, वो 2021 तक बढ़कर करीब 12000 हेक्टेयर में होना शुरू हो गया। और जब लोगों को इस बिजनेस में प्रॉफिट दिखा तो बहुत सारे फार्मर्स आके इस बिजनेस को करना शुरू कर दिए। जहां साल 2018 में सिर्फ 3000 फार्मर्स ही काला नमक राइस उगाया करते थे, वो साल 2021 में बढ़कर करीब 13500 फार्मर्स काला नमक राइस की खेती करना शुरू कर दिए। और यही ग्रोथ मॉडल आपको यूपी के हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। अगर आज हम देखें तो 11000 से ज्यादा यूपी के प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड मिलेंगे। अगर हम देखें साल 2020-21 में फ्लिपकार्ट के ऊपर करीब 1000 करोड़ के ओडीओपी प्रोडक्ट सेल हो गए। इसके बाद अगस्त 2022 में फ्लिपकार्ट ने यूपी गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू भी साइन किया, जिसमें ओडीओपी के प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के करीब 40 करोड़ कस्टमर तक इजिली पहुंचाए जाएंगे। और जहां फाइनेंशियल ईयर 21 में यूपी का एक्सपोर्ट करीब 1,07,000 करोड़ था, वही फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 30% से ज्यादा बढ़कर करीब 1,40,000 करोड़ तक पहुंच गया। और जहां 2021 तक यूपी के जो प्रोडक्ट्स हुआ करते थे उनका एक्सपोर्ट पे कंट्रीब्यूशन 62% था, वो एक सालों में बढ़कर करीब 72% हो गया। ओडीओपी के तहत यूपी का एक्सपोर्ट काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए इंडिया की गवर्नमेंट ने भी इससे काफी ज्यादा सीख लिया गया और कई सारे इंडिया के स्टेट्स में भी ऐसा ओडीओपी की स्कीम लॉन्च की गई और इंडिया के ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए गए जिसको बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता है।
लेकिन यूपी गवर्नमेंट की सिर्फ ओडीओपी योजना नहीं सब कुछ यूपी में नहीं करती है, यहाँ पे देखेंगे तो कई और फैक्टर्स इस पे काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। यूपी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा आप अगर आप सक्सेस देखें तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे काफी ज्यादा काम किया है। अगर आप साल 2022 में दोबारा जो यूपी गवर्नमेंट आई है उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की वजह से जो बिजनेसमैन थे उनको बिजनेस करने में काफी ज्यादा आसानी हो गई। पहले यूपी को सिर्फ गुंडे और माफियाओं के लिए ही जाना जाता था, जहाँ पे नेपोटिज्म और कास्ट पॉलिटिक्स यूपी की एक पहचान बन चुकी हुई थी। लेकिन आज यूपी में पूरा तरह से गुंडा राज आपको खत्म होते हुए दिखाई देगा बहुत ही आम तौर पे। ये मैं बनारस में रहकर बहुत ही क्लियरली बोल भी सकता हूँ, ये हमें आसपास हमेशा दिखाई देने को मिलता है। और अगर हम आंकड़ों को देखें तो वो भी यही कहते हैं, क्योंकि 2017 से लेकर 2022 के बीच में 5 सालों में एवरेज पर डे 5 एनकाउंटर किए गए हैं, जिस वजह से यूपी में एक नया राज शुरू हुआ है जिसमें लोगों को बिजनेस करने में काफी आसानी हुई है। अक्टूबर 2022 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ओपनली ये कहा था कि 5 सालों में 166 क्रिमिनल्स घायल हुए और करीब 4453 इंजर्ड हुए एनकाउंटर की वजह से। और जब यूपी में क्राइम रिड्यूस हुआ तो लोगों ने अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू किया। यही सब तरीके थे यूपी के ग्रोथ के लिए। दूसरा बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी तेजी से हुआ है। अगर आज हम देखें तो यूपी इंडिया का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज वाला स्टेट है, जहाँ पर टोटल करीब 3000 से ज्यादा लेंथ के 13 एक्सप्रेसवेज मौजूद है। ये एक्सप्रेसवेज यूपी को देश के अलग अलग नेशनल रूट से जोड़ते हैं, जिसके कारण जो रॉ मटेरियल ले आना या फिर प्रोडक्ट सप्लाई करना वो बहुत ही आसान हो जाया करता है। और इससे ट्रांसपोर्टेशन टाइम काफी ज्यादा कम हो जाता है, जिसमें कम पैसों में लोगों अपने प्रोडक्ट इंडिया के अलग अलग जगहों पे पहुंचा सकते हैं। देश के हर एक कोने में रोड कनेक्टिविटी होने से ओडीओपी प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा इजी हो गया है आज। और यूपी के इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम एक नाम कभी नहीं भूल सकते हैं, वो है इंडिया के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, जिनका रोल काफी बड़ा रहा है। यहाँ पे यूपी इंडिया का एक मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, जहाँ पे करीब 16% या फिर करीब 24 करोड़ इंडियंस रहते हैं। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट में यूपी पे सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश डेवलप होगा तो पूरा ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट होगा। तीसरी जगह जो योगी गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया वो है टूरिज्म सेक्टर यूपी का। अगर हम देखें तो यूपी डोमेस्टिक टूरिज्म के मामले में करीब 2nd नंबर पे इंडिया में आता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का रिलीजियस प्लेसेस। यूपी में भगवान राम और कृष्ण का जन्म स्थान है, इसके साथ ही भगवान शिव का बनारस भी है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। अगर आप बनारस में देखें तो एक बनारस का विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, जहाँ पे इस समय पर डे लाखों लोग आके यहाँ पे विजिट करते हैं। और यूपी का योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट का पूरा मॉडल है कि यूपी में जितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सब जगह को कनेक्ट कर दिया जाए, यहाँ पे एक रिलीजियस कैपिटल बनाने की कोशिश हो रही है। अगर हम देखें तो बनारस, अयोध्या और मथुरा को एक साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि कोई भी अगर टूरिस्ट अयोध्या आता है तो वो बनारस भी जाएगा, वो मथुरा भी जाएगा, और जब वो यहाँ पे आएगा तो वो बहुत सारे पैसे यहाँ के लोगों को देके जाएगा। और सिर्फ इंडियन टूरिस्ट ही नहीं, यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा यूपी में आया करते हैं। यूपी 3rd नंबर पे लाई करता है फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में। योगी गवर्नमेंट ने टूरिज्म और ओडीओपी प्रोग्राम दोनों को मिक्स करने की भी यहाँ पे कोशिश किया, जैसे कि इन्होंने खिलौने और हैंडीक्राफ्ट जैसे प्रोडक्ट यहाँ पे जहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पे भी बेचने शुरू कर दिए, ताकि कोई भी जब टूरिस्ट आता है तो इन प्रोडक्ट को देखेगा और उसे खरीद के लेके जाएगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ओडीओपी के सक्सेस में सिर्फ कुछ स्कीम का ही कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट की वजह से आज यूपी इतना तेजी से ग्रो कर रहा है। और यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के सक्सेस को देखते हुए योगी गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि हम इसको और तेजी से पेनिट्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने रियलाइज किया यूपी के हर एक तहसील में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना करते हैं जो कि काफी फेमस है। जैसे कि अगर मैं बनारस में देखूं तो बनारस साड़ियों के लिए फेमस है, लेकिन बनारस यहाँ पे खिलौने भी बहुत ज्यादा बना करते हैं। यहाँ पे लकड़ी के भी खिलौने बनते हैं, यहाँ पे चीनी की मिट्टी के भी खिलौने बनते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि ये पूरी अपॉर्चुनिटी पूरे उत्तर प्रदेश में है, तो उन्होंने वन तहसील वन प्रोडक्ट स्कीम भी लॉन्च किया, जिसमें हर एक तहसील के हर एक प्रोडक्ट को वो काफी तेजी से डेवलप करेंगे और उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। वहीं अगर हम देखें तो साल 2021 में यूपी गवर्नमेंट ने अपना ओडीओपी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया, जहां से डायरेक्टली आप ओडीओपी के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इस लिंक को हम कमेंट ऑप्शन में जरूर डाल देंगे, आप चाहें तो आप भी यूपी गवर्नमेंट के प्रोडक्ट को जाके खरीद सकते हैं। तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए अगर आप यूपी विजिट किए हैं तो आपको यूपी इस समय कैसा लगता है। अगर आपने नहीं विजिट किया तो आप एक बार जरूर विजिट करने आइए, आप देखिए यूपी कितनी तेजी से डेवलप हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि 5 सालों के अंदर यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव कर सकता है। हालांकि ये अचीव करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए यूपी को 30% के ग्रोथ रेट से हर साल बढ़ना पड़ेगा। ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि यूपी में पूरा जो फोकस है वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के ऊपर है। तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के अपना भी ओपिनियन बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।